डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए रेलवे बैलास्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आगे के आइटम का स्टडी करेंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है बताया था कि रेलवे बैलास्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट है वह अगले पार्ट में आपको स्टडी करने को मिलेगा। तो देखिए इस पार्ट में ये बोर्ड पर क्वेश्चन नोट है, राइट शॉर्ट नोट अबाउट ओवर साइज एंड अंडर साइज बैलास्ट अकॉर्डिंग टू बैलास्ट स्पेसिफिकेशन। तो देखिए एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओवर साइज बैलास्ट क्या है। ओवर साइज बैलास्ट, ओवर साइज बैलास्ट, देखिए एक्चुअल में ओवर साइज बैलास्ट कब कहा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सीविंग जो है 65 mm स्क्वायर बेस पर करते हैं, तो देखिए 65 mm स्क्वायर मेस। देखिए मान लीजिए ये जो 65 mm स्क्वायर मेस है उस पर जो है मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो मैक्सिमम रिटेंशन है, मैक्सिमम रिटेंशन जो होता है वो ध्यान दीजिए मैंने बताया था 5% है। क्या है? 5% जो है अगर देखिए रिटेंशन हो रहा है तो नो डिडक्शन, कहने का मतलब पेमेंट उस स्टैक का पूरा किया जाएगा। तो हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं नो डिडक्शन अलाउ है। 5% अगर रिटेन होता है तो वह जो है अलाउ है। लेकिन अगर देखिए अगर सपोज करिए इस 65 mm स्क्वायर मेस पर 5% से अधिक और 10% तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% से अधिक किंतु 10% तक, मतलब 10% इसमें शामिल है, 10% तक, तो देखिए ये आपका जो है ठीक है ओवरसाइज बैलास्ट कहा जाएगा। बट छूट दी गई है कि अगर रिटेंशन 10% तक है, बात समझिए, तो एक्सेप्टेड रेट से 5% रेट को डिडक्ट करके पेमेंट कर दिया जाए। इस टैग का जो पेमेंट है तो भाई देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रेट में 5% डिडक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखिए जो भी एक्सेप्टेड रेट है उस रेट में 5% का डिडक्शन करते हुए और पेमेंट उस स्टैक का कर दिया जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए रिटेंशन जो है 10% से अधिक है, सपोज करिए अधिक है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए इसमें जो है कोई भी जो है आपको मतलब सहूलियत नहीं दी गई है, इसमें जो है किसी प्रकार का जो है गुंजाइश नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बात समझिए। अब जो है सपोज करिए इसके बाद जो है आपका जो, तो ये तो ओवर साइज बैलास्ट के बारे में मैं आपको जो है 65 mm स्क्वायर मेस के बारे में बताया,
अब देखिए 40 mm स्क्वायर मेस। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि देखिए इसमें जो भाई रिटेंशन का क्राइटेरिया है 40% to 60% है, 40% to 60%। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि रिटेंशन जो है 40% to 60% हो सकता है। देखिए लेकिन सपोज करिए कि 60% से अधिक रिटेंशन हो रहा है, मान लीजिए, देखिए दोनों केस हो सकता है कि 60% से अधिक रिटेंशन हो रहा है और 40% से कम रिटेंशन हो रहा है। तो पहले देखिए 60% से अधिक रिटेंशन पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 60% से अधिक रिटेंशन। देखिए 60% से अधिक अगर रिटेंशन का केस है तो देखिए 60% से अधिक मान लीजिए रिटेंशन हो रहा है तो कैसे पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट का क्या तरीका है, पेमेंट का क्या तरीका है भाई। रेट में जो एक्सेप्टेड रेट है उसमें कटौती की जाएगी तो उसका क्या तरीका है। तो देखिए सपोज करिए कि मान लीजिए रिटेंशन 60% से अधिक लेकिन 65% तक। तो देखिए इसका मतलब इसमें जो है 5% डिडक्शन होगा, 5% डिडक्शन। अभी मैं इसके बारे में क्लियर बता भी दूंगा। देखिए अगर रिटेंशन, देखिए ध्यान दीजिए 65% से अधिक लेकिन 70% तक है तो 10% डिडक्शन। लेकिन देखिए अगर रिटेंशन जो है 70% से अधिक है, क्या है अधिक अगर है तो रिजेक्टेड, उस केस में रिजेक्टेड। देखिए तो ये है आपका भाई पेमेंट का क्राइटेरिया। एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए रिटेंशन जो है, रिटेंशन 60% से अधिक, देखिए 60% तक तो आपका अगर रिटेंशन होता है तो कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन 60% से अधिक तो क्लियर सी बात है। देखिए इस क्राइटेरिया में 61% to 65% होगा। देख लीजिए, क्लियर समझ लीजिए 60% से अधिक और 65% तक। तो देखिए इसका मतलब 60% से अधिक 61%, तो 61% to 65% तक अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए अगर रिटेंशन हो रहा है तो रेट में जो है 5% का डिडक्शन कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए 65% से अधिक, इसका मतलब ये हुआ इस केस में हो जाएगा 66% to 70% देख लीजिए 65% से अधिक और 70% तक तो डिडक्शन जो रेट में होगा वो 10% का होगा। कितना होगा? 10% का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए रिटेंशन 70% से अधिक हो रहा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो देखिए इसके बाद जो है, सपोज करिए कि जो अंडर साइज बैलास्ट, ये तो आपका हो गया ओवर साइज बैलास्ट, तो अंडर साइज बैलास्ट, देखिए अंडर साइज
बैलास्ट, अंडरसाइज बैलास्ट। तो देखिए सबसे पहला जो है ध्यान दीजिए 40 mm स्क्वायर मेस। देखिए 40 mm स्क्वायर मेस पर रिटेंशन, क्या रिटेंशन। देखिए अगर देखिए 40 mm स्क्वायर मेस पर जो रिटेंशन है ये देखिए, मान लीजिए यहां पर देखिए 40% to 60% बताया गया है, अगर 40% से कम है, क्या है मान लीजिए 40% से कम है, 40% से कम मान लीजिए रिटेंशन 40% से क्या है कम है, तो भाई ये अगर 40% से कम है तो अंडरसाइज, तो बैलास्ट कैसा कहा जाएगा, अंडरसाइज बैलास्ट, अंडर साइज कहा जाएगा, अंडर साइज बैलास्ट। क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो इसके बाद का जो अंडर साइज बैलास्ट का क्राइटेरिया है वह है 20 mm स्क्वायर मेस। मान लीजिए देखिए, अरे भाई आप 20 mm स्क्वायर मेस पर भी क्या करते हैं, उसको सीविंग करते हैं। तो देखिए इस केस में मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, अगर मान लीजिए 98% से कम रिटेंशन, बात समझिए हो रहा है किस केस में, मशीन क्रस्ड बैलास्ट। अच्छा मान लीजिए 95% से कम अगर रिटेंशन, देखिए क्या है, हैंड ब्रोकन बैलास्ट। तो देखिए इन दोनों केस को देखिए, इस सीव में इन दोनों केस को अंडर साइज बैलास्ट कहेंगे, अंडर साइज बैलास्ट। अब देखिए जो अंडर साइज बैलास्ट होता है, अभी मैंने आपको यहां भी बताया, देखिए अंडर साइज बैलास्ट तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अंडर साइज बैलास्ट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अंडर साइज बैलास्ट रिजेक्टेड, ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड। तो देखिए एक्चुअल में जो आपका जो भी स्क्वायर मेस जो होते हैं 65 mm और 40 mm स्क्वायर मेस और 20 mm स्क्वायर मेस, आप इससे क्लियर समझ गए होंगे कि आपका जो बैलास्ट का साइज होगा, बैलास्ट का जो साइज होगा, साइज क्लियर हो गया होगा 20 mm। देखिए बात समझिए, 20 mm से अधिक, भाई देखिए एक्चुअल में 20 mm भी हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई, 20 mm से कम पर जो साइज वाले होंगे वो ना नीचे गिरेंगे, तो इसका मतलब 20 mm से 65 mm से कम मतलब देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं 20 mm से ऊपर कह सकते हैं, मतलब 20 mm 265 mm से नीचे, तो ऐसे ही बैलास्ट को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। बात समझिए, बैलास्ट जो भी मतलब रिक्वायर्ड बैलास्ट जो कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार फुलफिल करे तो उसका साइज होगा 20 mm से अधिक और 65 mm से कम।
ये है आपका, देखिए ओवर साइज एंड अंडर साइज बैलास्ट। तो वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर से जो बैलास्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो रिमेनिंग आइटम है उसका स्टडी कराएंगे।